नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज 9x.com। द न्यूज 9x.com में आप सभी का स्वागत है। बिहार और असम में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बिहार और असम में बाढ़ जैसे दोनों राज्यों में करीब 1,11,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच बाढ़ में मरने वालों की संख्या 170 हो गई है। आपको बता दें कि असम में मरने वाले लोगों की संख्या 64 पहुंच चुकी है, तो बिहार में यह आंकड़ा 102 हो चुका है। साथ ही कई परिवार के लोग बिछड़ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ से 12 जिले के 72,78,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। आपको बता दें, जहां बाढ़ का पानी कम हो रहा था, वहीं अचानक प्रकृति और मौसम दोनों ने अपना रुख बदल लिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी अलग अलग रूप से पुनः उफान पर है। साथ ही अब मौसम भी काफी खराब होने की आशंका होने लगी है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने भी पुनः एक्शन का मूड बना लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने पुनः इससे बचने के कई कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं, परंतु हालात अभी भी नाजुक दिख रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि आम लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार ने हमें कोई भी राहत देने का काम नहीं किया है, हमारे लोग बहुत जगह फंसे हुए हैं। हालांकि बचाव में NDRF और SDRF की टीम लगातार अपना कार्य कर रही है। इस बीच हम आपको बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने वायुसेना को भेजा है, जिससे वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। वायुसेना ने दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में राहत देने के लिए दरभंगा में हेलीकॉप्टर तैनात किया है। मौसम विभाग को आशंका है कि इस बीच झमाझम बारिश में सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पुनः मुसीबत में ला दिया है, जो कि काफी चिंताजनक है। हालांकि राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, बावजूद लोगों की स्थिति जस की तस है। बहरहाल, जो भी हो, बाढ़ से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारा वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल द न्यूज 9x सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करें, शेयर करें, तक कमेंट करें और साथ ही हमें ये बताएं कि हमारा अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। शुक्रिया।